दोस्तों अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टी आर एस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है सॉरी आई डोंट नो अगर मैं ऑफेंड कर दूंगा फुटबॉल uh, फैंस को और mm -hmm. आपको भी थ्रू दिस क्वेश्चन दैट्स नॉट माय इंटेंशन बट अकॉर्डिंग टू यू क्योंकि आपने भारतीय फुटबॉल को अंदर से देखा है mm -hmm. आपके अकॉर्डिंग एक भारतीय फुटबॉलर ईपीएल में एज अ स्टार्टर या इवन ऑन द बेंच कब खेलेगा

ये प्लेयर वहाँ यूनाइटेड में क्यों नहीं खेलता या ये प्लेयर चेल्सी में नहीं खेलता लॉ ही नहीं अलाउ करता दोस्त पहली बात तो आपकी कंट्री की रैंकिंग विद इन वन वो सेवेंटी के बीच में होनी चाहिए कुछ वो है उसके बाद अगर है भी देन यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द नेशनल टीम गेम्स कुछ एट्टी एटी फाइव परसेंट के आसपास उसके बाद भी आपको एक केस अप्लाई करना कितने प्लेयर हैं जो साउथ अमेरिका से उन्हें नहीं मिलता वर्क परमिट तो एक चार कमरे में बैठ के बोलना और अपनी टिप्पणी देना कि वो उस क्लब में क्यों नहीं खेल रहा वो बाहर क्यों नहीं जाते इंडियन आपको जब लॉ ही नहीं पता पहली बात तो लॉ अलाउ नहीं करेगा दूसरी चीज़ कि अगर हम जब तक तो खेलेंगे ही नहीं फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बोलूँ बीस साल पहले मैं बोलता इंडिया एशिया कप खेल लेगी नहीं यार कैसे खेलेगी क्या करेंगे एशिया कप में जाके क्योंकि तब गए ही नहीं थे अभी लास्ट एशिया कप में हम लोग गए वी डिड रिसेंटली वेल कतर हो अभी जो मैचेस हुए वी डिड वेल तो जब आप उसमें जाएंगे माहौल में उधर खेलेंगे वेंचली वाला अडेप्ट और मैं आपको बोलता दूँ अभी जाके आइसलैंड uh, में जाके सेटल करो या गो टू यू कुछ जहाँ से मेरी वाइफ है आई टेल यू गो टू यू राइट नाउ हो माइनस फिफ्टी में जा करो क्या आंसर होगा यार पहले जाके देखूंगा ना कैसे अडेप्ट होना है कैसे हो तो वैसे करा बोलो आज प्लेन बुक किया कल उसको लंडन पहुँचा दिया जा खेल जेल सी खिले कैसे खेले कोई वो तो जॉन टेरी भी नहीं खेल पाएगा ऐसे <laughs> तो पहले जाता है बंदा अडेप्ट होता है एंड देन यू विल सी तो एक बहुत जल्दी जजमेंट और बहुत फास्ट फास्ट आंसर और आंसर निकालने या देने का एक वे ऑफ थिंकिंग है बट इन अ लार्जस्ट स्केल मेनी थिंग्स विच आर इन्वॉल्व प्लेयर को बाहर जाने के लिए फर्स्ट द वर्क फॉर्म इट इज़ अ बिग इशू प्लस उस कंट्रीज में कितने फॉलर अलाउड है अब इंडिया में आप क्यों नहीं बोलते कि दस के दस स्पेनिश आ जाएँ चाहे अलाउड ही नहीं है दोस्त चार ही फॉर्नर खेल सकते हैं जिसमें से एक एशियन होना चाहिए अब प्रीमियर लीग में अगर चार या पाँच फॉर्नर अलाउड है उनके लॉ के हिसाब से वो उसमें से एक उनका अंडर नाइनटीन मतलब बहुत लॉस होते हैं यार तो उधर साउथ अमेरिकन भी कोटा बैठा है अब चार एग्जाम्पल फॉर्नर से कंटीजेंट है आप चार फॉर्नर से साइन कर सकते हैं उधर आपके पास एक साउथ अमेरिकन भी बैठा है एक अपना अफ्रीका का भी बैठा है तो आपके पास देखना है ना कि आपके पास एक आधा ही स्लॉट बचता है इन एशियन कोटा नॉट एज अ कोटा कोटा जैसे इंडिया में फॉर एग्जाम्पल आइस लोनली चार फॉर्नर खेल सकते हैं जिसमें से एक एशियन होना चाहिए आपका तो फिर कोई क्यों नहीं बोलता कि हम वहाँ बेल्जियम से प्लेयर को नहीं लाते है वो है ही इतने फॉर खिला सकते हो तो बहुत सारे रीजंस होते हैं बहुत सारी चीजें इन्वाल्व होती हैं यदि आप बहुत जल्दी आंसर देना चाहें उसे और जल्दी बात को खत्म करना है तो ये बोल सकते हैं हाँ खेल सकते okay. मैं दो चीजें कहना चाहूँगा जयशंकर जी पॉडकास्ट है ये जवाब सिर्फ गवर्नमेंट दे सकती है और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी एक इंटरनेशनल ब्रांडिंग के परस्पेक्टिव से फुटबॉल क्रिकेट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है इंटरनेशनल ब्रांडिंग yeah, के perspective से अमेरिकन uh, भी देख रहे हैं ब्रिटिशर्स भी देख रहे हैं अफ्रीका के लोग भी देख रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस भी देख रहे हैं आई पर्सनली वुड लाइक टू बिलीव कि कल्चरली स्पीकिंग फुटबॉल बहुत ज्यादा जरूरी है भारत के फ्यूचर के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर ये लॉ फिक्स हो गई ग्रेट uh, Uh, दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा कि आई डोंट नो ये मेरा खुद का एक सपना आई जस्ट वॉन्ट टू सी इंडियन बॉयज प्लेइंग इन यूरोप एज वेल जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंडिया नॉट टू टेक अवे फ्रॉम आई एस एल ऑर इंडियन फुटबॉल जस्ट फॉर द सेक ऑफ बी ऑन द वर्ल्ड स्टेज कि यार हम किसी से कम नहीं यू नो अंडरस्टैंड दैट एंड आई थिंक मोर देन दैट वी नीड टू डू बेटर एज अ नेशनल टीम इन अ बिगेस्ट स्टेज विल हैव मोर इम्पैक्ट ओके मैं दो साल पहले गया था क्रोशिया में आई थिंक बिफोर मी प्लेस गए हैं गुरप्रीत भी गया छेत्री बाई भी गए हैं वैन यू रीच देर नो यू रियलाइज की जस्ट यू वॉट देर यू नॉट बॉन्ड्स इट वेज डू द डिफरेंस देर प्लेंग द सेम स्पोर्ट येस इन अ वेट ऑफ अर्स

फोर्टी फिफ्टी थाउजेंड पीपलो जिसमें और ह्यूनिटी बढ़ता है नॉट से आप लोग आना बंद कर दे बट वैदर प्लेज अग रोल तो वह कंफर्टिंग टू दटकोर्स इज मोरूजी वह मैं देना नहीं चाहता भाई आई मीन योर प्रोफेशनल आई थिंक योर ओपिनियन इज वेरी सॉलिड एन ऐप आप रोल बट वही बाहर जो आप कह रहे कि डिफरेंस क्या है मेरी मान्यता मै आई डोंट फील दिस मच अ डिफरेंस छोटा मोटा यहाँ वहाँ है बट इज जस्ट वे नॉट बॉन्द देर हर कंट्री के अपने लॉ हैं कौन कितने फॉर्म अलाउ करता है ये वो येस yes, ऑफकोर्स अगर मैं भी सोलह साल का भी बच्चा होता है मैं भी चाहूँगा कि यार मेरा देश है बाहर खेले बट मोर देन दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन दिस बैच कि हमें ऑन अ बिग स्टेज हैव टू डू समथिंग बिग वो फिर एक्चुअल में आपको प्राउड फील कराएगा राधा दैन एक लड़का वहाँ खेल रहा है दौड़ के वहाँ बिकॉज आई एम टेलिंग वेरी टफली चैम्प लिखा मुंबई डिड सो वेल इवन गोवा दे वन टू दीजन बिफोर दे डिड सो वेल मोहन मगान इज डूइंग वेल इन द एशी कप सो इन इन द कॉन्टिनेंट लेवल ऑफ एशिया वी आर डूइंग रियली वेल बट वही अगर आप यूरोप से इसको हमेशा जोड़ के रखेंगे तो आपको पूरी चीज़ पता नहीं कि ऐसा नहीं है कि फ्लाइट बुक करी मैं खेलने चल जाऊँगा

जब मैं उस वाले का एग्जाम्पल करो हम थोड़ा रिवाइंड करते हैं ये दो हज़ार अठारह हैं जी आप जिंगन भाई अपन लोग कब पहुँचेंगे वर्ल्ड कप में मैं फर्स्ट आंसर वुड भी और जब मैं तब आंसर दिया था हमेशा ही कि वो आपका अल्टीमेट सपना है वो तो सबको पहुँचना है आपको भी एग्जाम्पल मैं बोलूँ आपको इंडिया का वो बनना है प्रधानमंत्री बनना है रणवीर नेक्स्ट पी एम फोर द कंट्री तो उसके कुछ स्टेप्स हैं ना तो हमें उस पर फोकस करना है तो अगर आपने मेरे से अभी अठारह में सवाल पूछा ये तो आई वुड से पहले हमें एशिया कप में अच्छा करना है सपना है वो नज़र में पर उसकी सीढ़ियाँ हैं तो वही बात होगी ना कि मुझे चांद में पहुँचना है बट मैं यहाँ से छाल लगातार हूँ नहीं पहुँचेगा ना अब तरीके होते हैं उसके तो उस टाइम आई सेड इट एंड आई रिपीट अगेन हमें दो में अच्छा करना है ऑफकोर्स ग्रुप से नहीं बाहर आ पाए बट वी डिड वेल इवन हु सॉ दैट एशिया कप इवन टिल नाउ दे आर प्राउड बिकॉज हम जस्ट लास्ट में रह गया था But no excuses. We should, uh, we should, should have done better. I I believe. I think एशिया कप है that's the thing. तो मैंने तब यही कहा था कि विश्व कप पहुंचने के लिए हमें पहले एशिया कप में रेगुलर होना है जो पहले कभी नहीं हुआ I personally feel भारत के फ्रेंस बहुत ज्यादा फोर्स के साथ सपोर्ट के लिए आने वाले। I think that's what we need. एक्सपेक्टेशन दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्ले लिस्ट देख लीजिए ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे और डेफिनेटली टीआरएस क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए